गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मॉर्निंग के 7:14 हो रहे हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं फॉग, ठंड पड़ने लगी है और कल से ठंड ज़्यादा ही पड़ रही है। देख लिया हमने, हुडी निकाल ली है और जो मॉर्निंग हो रही है अभी 7:00 जो हमने अभी देखा यहाँ पे 6:28 पे यहाँ पे सूरज निकलता है और इससे पहले 5:00 शायद गर्मी के सीजन में 5:00 निकल जाता था और यहाँ पे अब 6:30 निकल रहा है और शाम तो पहले ही हो जाती है, 5:00 ही दिन डूब जाता है। और देख रहे हैं कितना फोकस पड़ रहा है लाइट का और यहाँ पे ठंड पिछले 2 दिनों से बढ़ चुकी है और आज रात में तो और भी ठंड थी, कल के मुकाबले आज ज़्यादा थी ठंड और यहाँ पे धीरे धीरे ठंड पड़ रही है और दिवाली तक शायद ठंड एकदम पूरा अपने पीक पे हो। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज संजीव कुमार हियर एंड यू वॉचिंग संजीव कुमार ब्लॉग। और देखते रहिए, आज हम बहुत दिन से सोच रहे थे वीडियो बनाने के लिए लेकिन आज हम मतलब होता ये है कि हम सोचते हैं यार गांव की कहाँ की वीडियो बनाए, गांव के जो लोग कहते हैं यार डेली यही तो वीडियो बनाते हो, आज देख सकते हैं यार खेत में है अभी और हम सोच रहे थे कि आज हम वीडियो बनाना शुरू कर दें क्योंकि बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला। अब हम सोच रहे हैं रेगुलर वीडियो डालने के लिए क्योंकि एक हफ्ते में एक वीडियो इस टाइम पे पड़ रही है, हमने ये पूरा एनालाइज किया है अपने चैनल को देख करके। तो अभी हम बहुत जगह जाते हैं घूमने के लिए लेकिन हम वीडियो बना नहीं पाते हैं तो अब हम वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे धान की कटाई शुरू है और देख सकते हैं पीछे धान खड़ा भी है और कुछ धान की क्वालिटी होती है, धान की वैरायटीज जो है वो ये इसको गंगा कावेरी बोलते हैं जो कट गया इस टाइम पे और ये उसको बोलते हैं बावनी जो अभी यहाँ पे यहाँ खड़ी है अभी मतलब कटी नहीं है। और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो स्लो ग्रो कर रहे हैं अभी, शायद अभी तो हम बताएंगे नहीं क्योंकि हमने हाइट कर दिया है। और यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, अगर आपने अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमें सब्सक्राइबर की बहुत ही ज़रूरत है, जैसे लोगों को नौकरी की ज़रूरत होती है उस तरह से मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी जल्दी 1000 पहुँचा दीजिए और हम ये सोचते हैं जल्दी से 1000 हो जाए, मज़ा आ जाए, फिर वीडियो तो फिर कहीं भी हो कैसे भी हो वीडियो तो आनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वो घंटे को तो ज़रूर दबाइएगा क्योंकि आप यूट्यूब पे तो हमेशा देखते रहते हैं कि घंटा दबाइए तो बताना तो नहीं पड़ेगा, शायद आपने दबा ही दिया होगा, इतना तो भरोसा आप लोगों पर कर ही सकता हूँ। यहाँ पे इतना ओस गिरती है गांव में, फिलहाल यहाँ यूपी में रह रहे हैं तो यहाँ पे इतना ओस गिरती है, सूरज डूबता नहीं है 4:00 शाम को लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना ओस गिरना शुरू हो जाता है तभी से ही, और रात में इतना गिरती है अगर शायद अगर आप बाहर कपड़े अगर फैला दें तो पक्का है वो भीग जाएगा इतना गारंटी देते हैं। और सुबह अगर बाहर नंगे पाँव निकल जाइए या देख सकते हैं यहाँ पे कितना इधर देख सकते हैं पूरा इतना, हमने अभी वीडियो दिखाया आपको कितना ड्यू पड़ी थी ओस। अभी यहाँ आपको एक चीज़ दिखाते हैं, सरकार कहती है ना कि बाइक चलाओ तो हेलमेट लगा के और कार चलाओ तो सीट बेल्ट पहन करके, और यहाँ पे सिटी में ये रूल जो है फॉलो करते हैं लेकिन गांव इलाके में ऐसा रूल कोई फॉलो नहीं करता। और भी हमारे पीछे देख सकते हैं जितने भी बाइक वाले जाएंगे बिना हेलमेट के, लगभग 5% लोग ऐसे होते हैं जो हेलमेट लगा के जाते हैं और अदरवाइज कोई हेलमेट लगा के नहीं चलता। पीछे देख सकते हैं अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जितने भी सारे ये लोग जा रहे हैं कोई भी हेलमेट नहीं लगा के, कोई सेफ्टी का तो यहाँ कोई बात ही नहीं करता। अभी आगे दिखाते हैं, ये देखो एक जनाब आ रहे हैं बिना हेलमेट के, यहाँ पे सेफ्टी मतलब कुछ नहीं, सरकार कुछ भी करे
कितना भी सरकार समझा ले सबको, लेकिन लोग मानते नहीं ना। यहाँ पे सरकार शायद कुछ कर नहीं पाती या लोग मानते ही नहीं। यहाँ पे इस सड़क पे जितने भी सारे लोग हैं वो हेलमेट ही नहीं पहन के जाते। लगभग 5% लोग को छोड़ करके जो कहीं दूर जा रहे होंगे वही हेलमेट पहनेंगे, अदरवाइज कोई भी हेलमेट ही नहीं पहनता। ये बैलगाड़ी है, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे। यहाँ पे 3 लोग आ रहे हैं लेकिन हेलमेट नहीं पहने तीनों लोग, कोई भी सेफ्टी नहीं। लेकिन आप लोगों से कहना चाहूंगा, जब भी आप बाइक चलाइए हेलमेट, जहाँ पुलिस वाला भी जा रहा है वो भी हेलमेट पहन के नहीं जा रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी बाइक चलाइए हेलमेट पहन के ही बाइक चलाइएगा, और अदरवाइज नहीं। लेकिन यहाँ के लोग पता नहीं क्या सोचते हैं कि हम ही सबके दादा हैं, कुछ होता नहीं है, पता नहीं क्या सोचते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है। अगर एक भी सब्सक्राइबर एक दिन में बढ़ जाता है ना, हमें अपार खुशी होती है, सच्ची बता रहा हूँ। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।